बिस्मिल्ला वी आर एनालिसिस कौनस इम्प्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हमने बेसिक टूल्स uh, की बात की कि कैसे हम स्टैंडर्ड ट्रेनसी को मैयर कर सकते हैं मीन मोड की बात की तो गोइंग टू टॉक अबाउट कि मैयर्स क्या हैं इनको डेटा uh, को मैय करने के लिए कि व्हाट आर द वेज हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट बेसिक्स ही ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक बातें हैं विल नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन इट बट

ऑर्डर में ला जाते हैं वन टू थ्री बट दैट ऑर्डर डज नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इट के टू और थ्री में जो फ़र्क है वो कितना ज़्यादा है या कितने परसेंटेज है वो उसकी बात नहीं और ये बात सिर्फ एक सीक्वेंसिंग फैक्टर में आप उसको ले आते हैं मोर इम्पॉर्टेंट इज यूज एज इंटरवल स्केल विद इन ट्रवल्स के वी नो बोथ ऑर्डर एंड एग्जैक्ट डिफरेंस में हमें यह पता होता है कि वन और टू में जो फ़र्क है वो है कितना यानी कि एक वेरिएबल में दूसरे में कितना फ़र्क है वो इंटरवल उसको ज़रा ज़्यादा अच्छा कैप्चर कर लेता है कि तो एग्जाम्पल जैसे आपको इंक्रीमेंट्स डिक्रीमेंट्स के मूवमेंट स्केल में कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे आ रहा है ये इंटरवल उसको ज़रा ज़्यादा बेहतर कैप्चर करता है इसको एक दफ़ा और भी देख लेते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर की बात करते हैं सेल्सियस में एक सिक्सटी है एक एटी है तो वी क्लियरली नो कि सिक्सटी में ट्वेंटी डिग्री और बढ़े तो वो एटी आए सो इंटरवल इज वेरी वेल नोन सो दैट्स वाई इट्स मोर यूजफुल इन द मैकेनिज्म बट अगेन ऑल आर यूज इन सम इन द होल स्टैटिस्टिकल प्रोसेस देन अनदर मोर इम्पॉर्टेंट वन इज द रेशियो स्केल्स रेशो स्केल कम्प्लीट इन देंस दैट दे टेल अस अबाउट ऑर्डर सीक्वेंस भी बता रहे होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंस भी बता रहे होते हैं और उसमें इसका जो है मूवमेंट उसको भी कैप्चर बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं और उसको एक इम्प्लिकेशन भी निकाल रहे होते हैं और ये इसीलिए रेशोज वाला जो है हम जब स्टैंड एवियेन की भी जब हम बात करते हैं तो हम स्टैंड एविये वी मेंशन इन नंबर्स रेशोज के जी ये इतनी स्टैंड एवियशन है तो परसेंटेज में जब हम बात करते हैं तो दैट्स द रेशो और वो सुपीरियर इनमें से मेथड है जो कि यूज हो रहा होता है अंडरस्टैंडिंग टेल रिस्क एंड फैट टेल्स। हमने पहले ये थोड़ी बात की थी क्यूटोसिस मेंस में कि में, जब इनकी टेल्स वेरिएट कर जाती हैं तो ये जो इम्पैक्ट आता है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टेल रिस्क क्या है क्या और फिर उसका इम्प्लिकेशन क्या है वॉट वी नीड टू डू विद दैम टेल रिस्क द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो रिज अराइज वैन पॉसिबिलिटी दैट इन्वेस्टमेंट विल मूव मोर देन थ्री स्टैंड एविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमें पता है कि थ्री स्टैंडर्ड एवियेसन है तो इसका मतलब है कि जब हम टेल रिस्क की बात करें तो थ्री स्टैंड एविएशन से ज्यादा की जब मूवमेंट है उसको हम इसमें टेल रिस्क में कैप्चर करेंगे और इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा भी हो सकता है सो दैट्स वाई वी शुड बी केयरफुल विद दैम अंडरस्टैंडिंग टेल रिस्क एंड फैट टेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ टेल्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल अगर टेल्स में वेरिएशन आ रही है इसका मतलब है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्यूज हैं और उसकी पैटर आर फेयर दैर इंडिकेट्स दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी विच मे बी स्मॉल थोड़ा सा चांस बहुत कम हो कि ये होगा लेकिन चांस है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो थ्री स्टैंडर्ड एविशन से ज़्यादा मूव कर जाएगी और इसका मतलब है कि अगर वो नेगेटिव मूव करती है तो वो फिर हमें बहुत ज़्यादा स्वेयरली इम्पेक्ट कर सकती है उसका चांस बेशक कम भी हो बट द रिस्क इज़ देयर ज़्यादातर हेज फंड्स के जो हमने क्योंकि वो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं उसमें भी हैव सीन सच डिस्ट्रीब्यूशन कि उनका जो टेल रिस्क हैं वो और जो उनकी टेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी फ़र्क होती है बिकॉज वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो एक्स्ट्रीम के जैसा कि वो दे कुड लूज लॉट ऑफ मनी तो इसलिए फिर जब वेन वी हैव अ रिस्क वी शुड डू समर दैट तो देन वट द टू वी नीड टू हैज दैट ऑल दो इंपैक्ट पोर्टफोलियो आर रेयर हमने पहले बात की चांसेज हो सकते हैं बहुत कम हो और वो होते भी कम ही है लेकिन वी इट इज अ रिस्क वी हैव बिकॉज हम योग कोई हम पांच सौ हजार दस हजार की बात नहीं कर रहे वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियन ऑफ डॉलर मिलियंस ऑफ डॉलर आ भी गया तो दैट वी नीड टू बी वेल प्रिपेयर फॉर दैट इन्वेस्टर्स शुड हेज अगेंस्ट दीज इवेंट्स हमें जो ये टेल रिस्क हैं इसके लिए हमें आपको प्रिपेयर रखना होगा और उसके लिए हमें अपना हैज करना पड़ेगा हेजिंग अगेंस्ट टेल रिस्क एम टू इनहस रिटर्न ओवर लॉन्ग टर्म मकसद हमारा है कि लॉन्ग टर्म में हम सेफ रहे हमारे रिटर्न ज़्यादा हैं लेकिन हमें शॉर्ट टर्म उसकी कॉस्ट होगी डेफिनेटली हैजिंग इज़ है नॉट फ्री तो हमें एक बैलेंसिंग देखनी होगी कि वेयर वी स्टैंड वाट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अस और एक हमारा पहला जो डिफेंस मैकेनिज्म वो यही होता है कि वी शुड डाइवर्सिफाई ताकि डाइवर्सिफाई होगा तो उसका टेल रिस्क को वैसे ही थोड़ा सा कैप्चर करेगा देन अदर हैजिंग टूल्स आर देयर सो तो वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दैट थैंक यू